वेलकम बैक गर्ल्स, मैं मिस शिल्पा रिबेलो छठी कक्षा विषय हिंदी दूसरी इकाई में हिंदी सुलभ भारती पाठ्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कविता 9 वह देश कौन सा है एक कविता पढ़ने वाले हैं। इस कविता के कवि है राम नरेश त्रिपाठी। तो आइए उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। उनका पूरा नाम है राम नरेश त्रिपाठी। उनका जन्म हुआ 4 मार्च 1879 में जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 प्रयाग में हुई। अभिभावक पंडित रामदत्त त्रिपाठी। कर्मभूमि प्रयाग। कर्म क्षेत्र साहित्य। उनके मुख्य रचनाएं हैं मिलन, पथित, स्वप्न, मानसी, अन्वेषण, हे प्रभो, अन्नदाता, आनंददाता। विषय उपन्यास, नाटक, आलोचना, गीत, बालोपयोगी पुस्तकें। उनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी उर्दू। पुरस्कार उपाधि हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार। उनका परिचय जिस देश की प्राकृतिक सुंदरता अनूठी हो, ज्ञान का सूर्योदय सर्वप्रथम जहां हुआ हो, देवता भी मानव रूप में अवतरित होने को लालायित रहे हो, जहां श्री राम ने पृथ्वी आज्ञा के पालन होते राज सिंहासन त्याग दिया हो, तथा उनके भाइयों ने भातृप्रेम की मिसाल कायम कर दी हो, निसंदेह वह देश सिर्फ भारत ही हो सकता है। कवि की लेखनी प्रश्न शैली में राष्ट्र प्रशस्त्रित करती हुई भारत को विश्व का शिरोमणि देश कहकर देश प्रेम प्रकट करती है। वह राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। बच्चों, जिस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, कितनी सारी पवित्र नदियां हैं जो इस देश में बहती है, कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत है जो भी इस देश की शान है। बहुत प्रकार के जानवर, पशु पक्षी और पेड़ पौधे हैं जो इस देश में है। ऐसा कौन सा देश होगा बच्चों, आप जरा सोचिए। जी हाँ, हम सब जानते हैं वह देश सिर्फ और सिर्फ हमारा देश भारत है। इसलिए हमारा भारत देश बहुत महान है। यही सब इस कविता के द्वारा हमें बताया गया है। तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं। वह देश कौन सा है। मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे हैं,
वह देश कौन सा है जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता था रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है। नवकांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। तो बच्चों, हम अब उस कविता का अर्थ पढ़ने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। तो मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, मन मोहिनी मतलब मन को प्रसन्न करने वाला या करने वाली जगह। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जगह है जो हमारे मन को प्रसन्न करता है। तो कवि यही कहता है कि हमारे भारत में या हमारे देश में ऐसे मन से मन को मोहित करने वाली या मन को प्रसन्न करने वाली बहुत सारी जगह है जो हमारे भारत के गोद में बसा है, भारत में बसा हुआ है, रहता है। सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जहाँ स्वर्ग जैसा सुख मिलता है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, निरंतर मतलब हमेशा, रत्नेश मतलब समुद्र या सागर। तो जब हम शीशोर पर जाते हो तब हम क्या करते हैं, हम पानी में खेलते हैं, हम पैर भिगाते हैं, स्पेशली अपने पेरेंट्स। आप बच्चे लोग पानी में खेलते होंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स क्या करते होंगे, वो पानी में जाकर पैर को भिगाते हैं। तो वही कहते हैं कि जिसके चरण हमेशा सागर में धो रहे हैं, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। हमारे भारत देश में हिमालय बहुत बहुत बड़े बड़े हिमालय है, पर्वत है, और ऐसे कहते हैं कि वो मुकुट के समान है, क्राउन के समान है, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही है, बहुत सारी नदियाँ हमारे भारत देश में बह रही है, और वो सुधा मतलब अमृत, वह है अमृत की द्वारा पवित्र धारा। बहुत सारी नदियाँ पवित्र है जैसे गंगा। तो वही कहते हैं कि नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही है, हमारे देश में पवित्र धारा बह रही है। सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। हमारा भारत देश में बहुत अच्छी अच्छी जगह है, और ऐसे लग रहा है कि मिरर में वही देश या वही जगह हमें दिखाई दे रहा है, जैसे उसका फोटो निकाला गया है। तो वही कहते हैं कि सींचा हुआ सलोना, सलोना मतलब सुंदर, तो वही सुंदर रूप लेकर वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाच मेवे, जिसमें बड़े रसीले, रसीले मतलब रसदार फल रहते हैं, कंद रहते हैं, नाच मेवे ड्राई फ्रूट्स, जिस देश में बहुत तरह के प्रकार के फल कंद नाच मेवे मिलते हैं, उगते हैं, और ये सब कहाँ रहते हैं, अंग में सजे हैं,
हमारे भारत देश में सजे हैं, भारत के अंग में, अंग मतलब शरीर, मतलब भारत के शरीर में, अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है? ये सब कहाँ उगते हैं? हमारे भारत देश में, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, जिस देश में सुगंध देने वाली, सुगंध मतलब सुगंधित, सुगंध वाले सुंदर फूल, प्रसून मतलब फूल, सुंदर फूल प्यारे लगते हैं, जब वो खिलते हैं तब वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, और उनका स्मेल भी बहुत अच्छा आता है, सुगंधित रहता है। वो दिन और रात हंस रहे हैं, वो जो फूल खिले हुए हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, वो सिर्फ दिन में ही नहीं लेकिन रात में भी वो हंसते हैं, खिलते हैं, वो देश कौन सा है? मैदान, गिरी, वनों में हरियालियाँ लहरती, मैदान मतलब प्लेग्राउंड, गिरी माउंटेन्स हिल्स, वन फॉरेस्ट, तो सब जगह मैदान बोलो, पर्वत बोलो, वन बोलो, फॉरेस्ट, तो सब जगह हरियालियाँ हरियाली रहती है, लहरती है, और वही हरियाली में आनंद ही आनंद मिलता है, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, धन मतलब संपत्ति, तो जिसके अनंत, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, नो एंड, तो बहुत सारी संपत्ति, इतनी सारी संपत्ति है कि वो खत्म ही नहीं होती है, तो जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, हमारे भारत देश में, इंडिया इज़ ए एग्रीकल्चरल कंट्री, और वही कहते हैं कि हमारे भारत देश में इतना सारा धन है, इतना सारा वेल्थ है, संपत्ति है, कि वो बहुत बहुत भरी हुई है, वो कभी कम नहीं होती है लेकिन बहुत भरती जाती है, भर जाती है। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? संसार मतलब विश्व, वर्ल्ड, शिरोमणि मतलब श्रेष्ठ, ग्रेट, तो वही कहते हैं कि इतना सारा धन है, इतना सारी संपत्ति है, तो ऐसे विश्व में, संसार में श्रेष्ठ कौन सा देश रहेगा? वह देश कौन सा है? नेचुरली भारत। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता, सभ्य था रहेगा, तो क्या कहते हैं कि जहाँ सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ, सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन, सभ्यता का उदय हुआ, प्रकट हुआ, हुआ और रहेगा, जन जन का दुलारा वही है, हर प्रत्येक नागरिक को, इसलिए हमारा देश बहुत प्यारा है, इसलिए कहते कि जन जन का दुलारा है वो, सब बच्चों का, लोगों का, छोटे से बूढ़े तक सब लोगों का वह दुलारा है, प्यारा है, वह देश कौन सा है? नवकांति के पुजारी, सेवक, सपूत, जिसके, नवकांति मतलब नवीन विचार करने वाले, हमारे जो पुजारी थे, सेवक थे, लीडर्स थे, सर्वेंट्स थे, और सपूत, हम सब इंडियंस, सपूत मतलब सुपुत्र, तो हम इंडिया में रहते मतलब हम इंडियंस हैं, तो इंडियन मतलब हम इंडिया के बच्चे हैं, भारत के बच्चे हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि हम सपुत्र है, सुपुत्र है, तो वही कहते हैं कि नवीन विचार करने वाले जो पुजारी है,
जो हमारे लीडर्स है, सेवक है, वो क्या है, विचारों का बहुत सारा विचार करते है। तो ऐसे लोग कहाँ सिर्फ भारत में मिलेंगे। इसलिए कहते कि भारत सिवाय दूजा, दूजा मतलब दूसरों, तो ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ भारत में मिलेंगे। तो वह देश कौन सा है? जी हाँ बच्चों, वह देश सिर्फ भारत ही हो सकता है, जहाँ ये इतने सारे जगह, पर्वत, नदियाँ, हमारे ग्रेट लीडर्स हमारे लिए बहुत लड़े हुए हैं और हमारा देश आज़ाद किया, ब्रिटिशर्स के हाथ से आज़ाद किया गया है। वो सिर्फ देश कौन सा होगा? हमारा भारत देश। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आया होगा। यहाँ एक वीडियो है जिस एक कविता गायन में प्रस्तुत किया है, तो आप ध्यान से सुनो। कक्षा छठी, कविता नंबर 9, वह देश कौन सा है? कवि राम नरेश त्रिपाठी। मनमोहिनी प्रकृति के जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है? मनमोहिनी प्रकृति के जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है? जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फल कंद नाच में वे, सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है? प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है? मैदान गिरे वनों में हरियालियां लहराती, आनंद में जहां है, वह देश कौन सा है? सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है? सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है? सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है? सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है? वह देश कौन सा? बच्चों, शायद आपको ये गायन अच्छा लगा हुआ होगा, आशा करती हूँ। बच्चों, यहाँ
कविता का सरल अर्थ दिया है। ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है। उसके साथ साथ समानार्थी शब्द भी दिए हैं, ये भी आपको आपके नोटबुक में लिखना है। और यहाँ छोटा सा असाइनमेंट दिया गया है, वो इस पीपीटी के द्वारा, प्रेजेंटेशन के द्वारा या आपकी टेक्स्ट बुक के द्वारा, उसकी मदद से, टेक्स्ट बुक या प्रेजेंटेशन की मदद से आपको यह असाइनमेंट आपके नोटबुक में कंप्लीट करना है। क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों आपको आपके नोटबुक में लिखना है, कंप्लीट करना है। मैं आशा करती हूँ कि जो भी असाइनमेंट्स, होमवर्क हम देते हैं, वो आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि हम जब स्कूल शुरू होगा तब हम वो नोटबुक चेक करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने ये असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं किए होंगे सब लेसन्स के, तो प्लीज़ आप कंप्लीट करो। धन्यवाद, थैंक यू। घर में रहो, सुरक्षित रहो।